नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं कुछ खास खबरों पे नजर। 73 साल पहले भारत से लुप्त हो चुके चीतों की एक बार फिर एंट्री होने जा रही है। दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाया जा रहा है। इन्हें शोपुर के कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम का उद्घाटन 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराना चाहते हैं। इसी दिन पीएम मोदी 72 साल के हो जाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो यह पीएम मोदी को जन्मदिन पर एक बड़ा तोहफा होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट की खुद समीक्षा कर रहे हैं। फॉरेस्ट विभाग समेत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अधिकारी सही समय पर इस प्रोजेक्ट को करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करें। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय को भी पत्र भेजा गया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में 17 सितंबर को पीएम मोदी आ सकते हैं। इसे लेकर 5 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। 2 हेलीपैड पर विदेश से आने वाले चीता लैंड करेंगे, वहीं बाकी 3 हेलीपैड पर पीएम मोदी का काफिला उतरेगा। मध्य प्रदेश के कई मंत्री इस दिन होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेने आइए जानते हैं। और भी ज्यादा जानकारी श्योपुर प्रभारी उद्यानिकी एवं खाद प्रसंस्करण स्वतंत्र प्रभार नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री भारत सिंह कुशवाहा से। जिला का मैं प्रभारी मंत्री होने के नाते यहाँ तक मेरी जानकारी में कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पालपुर कूनो आ रहे हैं और निश्चित रूप से एक अच्छी तैयारी वहाँ चल रही है और हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। प्रदेश के लिए, प्रदेश की सरकार के लिए, हमारे प्रदेश की जनता के लिए, इस अंचल के लिए कि प्रधानमंत्री जब आएंगे उन्होंने इस क्षेत्र को ऊंचाइयां देने के लिए जो चिंता की है वो अभिनंदनीय है। और निश्चित रूप से इसलिए अभिनंदनीय है कि अफ्रीका से चीता लाकर पालपुर कूनो छोड़े जाएंगे, तो हमारे लिए ये सबसे खुशी की बात है। और जिस तरह से मेरा कल सोपुर जाना भी हुआ था, गोरस गाँव में एक गिर गाय नस्ल सुधार कार्यक्रम करनाल की संस्था के द्वारा किया जा रहा है, उस समय मेरी प्रशासनिक अधिकारियों से भी चर्चा हुई थी। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को लेके जो तैयारियां चल रही हैं वो अंतिम रूप मिलने वाला है उन तैयारियों का, और एक प्रधानमंत्री जी के आने से एक कार्यक्रम और भव्य होगा ऐसा मैं मानता हूँ। जंगल में मंगल, हमारा पालपुर कूनों की एक अलग पहचान होगी अफ्रीकन चीता के नाम से। यह हमारे आपके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे हमें इस क्षेत्र को, लोगों को रोजगार के भी अवसर मिलेंगे, राजस्व भी प्राप्त होगा और हमारे क्षेत्र की अग्रणी क्षेत्र के रूप में पहचान होगी। पेज व अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं।